नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, लेकिन अजीब बात क्या है, हिंदुओं के साथ आज़ादी के बाद से अन्याय होता रहा है। हिंदुओं का भी इसमें कसूर है, वो सोते रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों की जागृति नहीं है उनके दिमाग में, और उनके साथ अन्याय हो रहा है, कोई परवाह नहीं करते हैं। इसी का नाजायज़ फायदा उठाते हुए अनेक प्रांतीय सरकारें हिंदू मंदिरों का धन लूट रहे हैं, दूसरे किसी धर्म के संस्थाओं पर, किसी प्रकार का मंदिरों पर, मस्जिदों पर, चर्च गिरजाघरों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर मंदिर हों, मठ हों, दूसरे संस्थान हों हिंदुओं के, उन पर पूरा गवर्नमेंट अपना नियंत्रण रख रही है। पूरे भारत में हिंदू पूजा स्थलों पर सरकारी नियंत्रण संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न न्यायालयों के आदेशों का उल्लंघन है, फिर भी यह जारी है। अकेले तमिलनाडु में 400 मंदिर और उनकी मूल्यवान संपत्तियां पिछले 70 वर्षों से भारी कुप्रबंधन और हजारों करोड़ रुपए के वार्षिक नुकसान से जूझ रही है। इस देश में जहां संविधान लोकतंत्र को कायम रखता है और अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, वहां केंद्र और या राज्य सरकारों द्वारा उनके मौलिक अधिकारों के साथ किए गए धोखाधड़ी सबसे खराब किस्म की धोखाधड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी का लाखों नागरिकों पर असर पड़ता है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है जब कई दशकों के बाद भी आम नागरिक इस तथ्य से अनजान हैं कि उनके संविधान को उन लोगों द्वारा गंभीर रूप से कमज़ोर किया जा रहा है जिनका काम इसे बनाए रखना है। चीज़ें कानूनी लगती हैं लेकिन वे कानूनी नहीं हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अपने नागरिकों को मौलिक धार्मिक अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने या उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को, धार्मिक संस्थाओं को बनाए रखने और स्थापित करने, किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना धार्मिक मामलों पर निर्णय लेने, संपत्तियों का स्वामित्व रखने और उन्हें अर्जित करने तथा वैध तरीकों से ऐसी संपत्तियों का प्रशासन करने का मौलिक अधिकार देता है। संविधान ने सभी को समान रूप से ये अधिकार दिए हैं, चाहे वे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक। यह बात अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन इन अधिकारों से केवल बहुसंख्यक यानी हिंदुओं को ही वंचित रखा गया है। स्वतंत्र भारत में लगभग प्रत्येक राज्य सरकार ने विशेष संहिता कानून या अधिनियम लागू किए हैं जिनके द्वारा हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे मंदिर, मठ और धर्मार्थ संस्थानों दान को यदि पूरी तरह से प्रशासित नहीं भी किया जाता है तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे हिंदुओं और उनके समुदायों, संप्रदायों आदि को इन मामलों में कुछ कहने का अधिकार नहीं रहता। तमिलनाडु मंदिरों की भूमि है, यहाँ कम से कम 400 मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं। आज़ादी से पहले तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें आज का उत्तरी केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्रा,
कर्नाटक के कुछ जिले और दक्षिणी ओडिशा भी शामिल था। इसी प्रेसिडेंसी में हिंदू धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने वाला पहला मनमाना कानून बनाया गया था। इसे मद्रास धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1926-1927 का अधिनियम 2 कहा गया। 1926 का यह अधिनियम उन सभी धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियमों सिर्फ हिंदू संस्थाओं के लिए का पूर्वज है जिन्हें प्रत्येक राज्य ने भारत गणराज्य में लागू किया था। 1935 तक उक्त 1926 अधिनियम में और संशोधन किया गया और प्रेसिडेंसी में कई बड़े मंदिरों विशेष रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में का प्रशासन प्रांतीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में ऐसे मंदिरों को अधिसूचित करके अपने अधीन कर लिया गया। इस प्रकार से अपने अधीन किए गए 50 मंदिरों में से कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं। पहला श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्री रंगम तिरुचनापल्ली नोटिफिकेशन 277 18 अप्रैल 1938। दूसरा श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरार टेम्पल मदुरई नोटिफिकेशन का नंबर है 418 तारीख है 29 मार्च 1937। तीसरा श्री त्यागराजा स्वामी टेम्पल त्रिवरार नोटिफिकेशन नंबर है 638 तारीख है 25 मई 1937। चौथा श्री धांड्याथूपानी स्वामी टेम्पल पझानी तारीख 25 नोटिफिकेशन का नंबर है 25 तारीख 19 दिसंबर 1938। पांचवा है श्री सुब्रमण्या स्वामी टेम्पल तिरुचेंदूर नोटिफिकेशन नंबर है 938 12 दिसंबर 1938 की तारीख। छठा मंदिर है श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुनामलाई नोटिफिकेशन नंबर 115 12 फरवरी 1951। जिन मंदिरों के पास बहुत अधिक भूमि और स्थल थे उन्हें निशाना बनाया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। ऐसा जाहिर तौर पर उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया, उनसे उचित आय प्राप्त करने के लिए किया गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1951 में मद्रास सरकार ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया जिसके तहत धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड के स्थान पर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग नामक एक सरकारी विभाग की स्थापना की गई। प्रांतीय और बाद में राज्य सरकारों ने वोटों की खातिर इन जमीनों पर अतिक्रमण और शत्रुतापूर्ण कब्जों की अनुमति दी। राजनेता इन मंदिरों और मंदिर धर्म की कीमत पर सत्ता में आते रहे। उन्होंने कभी मंदिरों के अधिकारों की परवाह नहीं की और न ही मंदिरों के उपासकों के अधिकारों की, जो कभी संगठित नहीं थे। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय 13 दिसंबर 1951 को मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति सत्यनारायण और न्यायमूर्ति राजगोपाल अयंगर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रथम सिरूर मठ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में 1951 के अधिनियम की लगभग 20 धाराओं को असंवैधानिक और हिंदुओं के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने 1951 के अधिनियम की उन धाराओं को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया जो अधिसूचनाओं के द्वारा मंदिरों के अधिग्रहण की अनुमति देती थी। साथ ही 1926 के अधिनियम की समतुल्य धाराओं को भी असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप मद्रास सरकार को लगभग 50 प्रमुख मंदिरों के प्रशासन से भार आना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 1954 शिरूर मठ निर्णय
1954 के शिरूर मठ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के मद्रास अधिनियम में अधिसूचना की धाराओं को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था। मद्रास सरकार, जिसने 1951 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 25 प्रमुख मंदिरों को अपने नियंत्रण में नहीं लिया, को कम से कम 1956 के शिरूर मठ के फैसले के बाद इन मंदिरों को उन समयताओं को समुदायों को सौंप देना चाहिए था जो उनके अधिग्रहण से पहले उनके प्रशासन कर रहे थे। ऐसा भी नहीं हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है, सार्वजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके कई अनुभाग को यह अधिकार होगा कि वह कह धार्मिक और धर्मार्थ परियोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करना और उनका रख रखाव करना, ख धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करना, ग चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व रखना और उसे अर्जित करना, घ ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यहाँ इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 70 वर्षों से अधिक समय से श्रीउर मठ आदेश सहित मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवज्ञा जारी है। 1956 में बिना किसी शर्म या नैतिक संदेह के राज्य सरकार ने सरकारी आदेश संख्या 3069 द्वारा अधिसूचनाओं जो तब अस्तित्वहीन हो गई जब अधिसूचना की धाराएं शून्य घोषित कर दी गई को विस्तारित कर दिया। इस सरकारी आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय और मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच मद्रास सरकार ने 1959 में एक नया अधिनियम बनाया जिससे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराए गए खंडों को फिर से पेश किया गया और आज तक वे लागू हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 4 न्यायाधीशों की पीठ ने 10 फरवरी 1965 के अपने आदेश द्वारा 1956 के उक्त गवर्नमेंट ऑर्डर को 3069 को निरस्त कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने 1959 के अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय के बावजूद अधिसूचनाएं एक और वर्ष के लिए जारी रहेंगी। दिसंबर 1993 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना कि ये संशोधन केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को विफल करने के लिए किए गए थे और इन्हें अनिवार्य रूप से निरस्त किया जाना चाहिए। इस आदेश के विरुद्ध अपील को सर्वोच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2002 को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायालयों के इन सभी स्पष्ट निर्णयों के बाद भी आज तक तमिलनाडु सरकार ने 1951 से पहले अधिग्रहित 50 अधिसूचित मंदिरों का नियंत्रण नहीं छोड़ा है। यह न केवल अवमानना है बल्कि हिंदू भक्तों के मौलिक अधिकारों पर निरंतर धोखाधड़ी है। संविधान का हिंदी संस्करण 1987 में संसद ने संविधान के हिंदू संस्करण को अपनाया और संविधान में अनुच्छेद 394A जोड़ा जिसके द्वारा दोनों संस्करणों को समान अर्थ और स्थिति दी गई। हिंदी संस्करण में हम प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय शब्द को प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के अंग्रेजी समकक्ष के रूप में पाते हैं। राज्य सरकारों को धार्मिक बंदोबस्ती से संबंधित अपने कानूनों में संविधान के हिंदी संस्करण में पाए गए अर्थ के अनुरूप हिंदुओं के लिए धार्मिक संप्रदाय शब्द को परिभाषित करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उधार नहीं लेना चाहिए। इससे सिख, जैन और बौद्ध सहित हिंदुओं को उनके मौलिक धार्मिक अधिकार और अपनी संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार मिल सकेगा। 36 साल बाद भी ऐसा नहीं किया गया है। यह राजनेताओं,
सरकारी अधिकारियों और यहाँ तक कि अदालतों द्वारा सभी हिंदू समुदायों के साथ धोखाधड़ी है। और यदि हिंदू इसी तरह सोते रहे तो ये धोखाधड़ी हमेशा आगे भी चलती रहेगी। धोखाधड़ी और कुप्रबंधन। तमिलनाडु के हिंदू इस तरह की सरकारी धोखाधड़ी के परिणामों से अनजान हैं। आज तमिलनाडु के लगभग 400 मंदिर सरकारी कार्यकारी अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनके पास तमिलनाडु HR&CE अधिनियम 1969 के किसी भी सक्षम प्रावधान के तहत उन्हें नियुक्त करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई कानूनी रूप से स्थायी आदेश नहीं है। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम या कपालीश्वर मंदिर मायलापुर चेन्नई या श्री थायुमन स्वामी मंदिर तिरुचनापल्ली के कोई आदेश नहीं है। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा 70 से अधिक वर्षों से जारी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के उदाहरण मात्र हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 31A(1)(b) के प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना है, जिसमें कहा गया है कि केवल संपत्ति के प्रबंधन के अधिकरण की सीमित अवधि के लिए प्रावधान करने वाले कानून ही मान्य होंगे। अनुमान है कि हिंदू मंदिरों और दान संपत्तियों की 50,000 एकड़ से ज़्यादा कीमती ज़मीनें सरकारी प्रशासन के अधीन गायब हो गई हैं। ये हिंदू स्थान थे जो अब धर्मनिरपेक्ष या हिंदू विरोधी स्थान बन गए हैं। 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की उचित आय के बजाय हिंदू मंदिरों की संपत्ति सरकारी प्रबंधन के तहत केवल 200 करोड़ रुपए कमा रही है। इन 200 करोड़ रुपए को इकट्ठा करने के लिए सरकार मंदिरों से लगभग 270 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रशासनिक शुल्क और 90 करोड़ रुपए का ऑडिट शुल्क वसूलती है, जिसमें मंदिरों की आय का 12% प्रशासनिक शुल्क और 4% ऑडिट शुल्क के रूप में लिया जाता है। मंदिरों का ऑडिट कोई बाहरी ऑडिट नहीं, यह राज्य सरकार के एक विंग द्वारा किया जाने वाला आंतरिक ऑडिट है, जिसके पैरोल पर अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन आंतरिक लेख परीक्षकों द्वारा की गई लगभग 1.8 मिलियन ऑडिट संपत्तियां आपत्तियां वर्ष 1986 से सुधार के लिए लंबित हैं। तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों मठों और धर्मसभा को एक साल में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने से 10 साल में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह एक बहुत बड़ी राशि है जो हिंदू नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने से वंचित कर जाती है। धार्मिक संभावित वार्षिक आय से हजारों हिंदू बच्चों को सनातन धर्म के मूल्यों के साथ मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। तमिलनाडु भर के हिंदुओं को मंदिरों और मठों द्वारा संचालित अस्पतालों और क्लिनिकों में मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिलेगी। क्या यह स्थिति अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों की मदद के लिए बनाई गई है, जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाते हैं? हिंदू समुदाय को इस संभावना पर उचित विचार करने और उसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रकार नींद में सोते रहने से आपके मंदिर नष्ट हो जाएंगे और आपका धर्म भी लुप्त हो जाएगा। वैसे ही तमिलनाडु सरकार तो हमेशा सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू से तुलना करती है और इसको उखाड़ कर फेंक देने की प्रतिज्ञा हमेशा लेती रहती है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते, नमस्कार।